क्लिक कर रहा है अभी, फ़ोटो यहाँ भेज देगा क्लिक करने के बाद। ये देखिए फ़ोटो क्लिक करके भेज दिया, ये बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है। और एक बार देख सकते हैं, अनलॉक करके देखते हैं। ये देखिए अनलॉक कर रहा है बहुत ही बढ़िया से। अभी लॉक लॉक, ये GPIO पिन 13 और ग्राउंड को मैंने स्विच लगा दिया इसमें, ये देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं, टेलीग्राम डुअल लॉक सिस्टम बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा टेलीग्राम ऐप, जो प्ले स्टोर में इजीली मिल जाता है। आप सर्च करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, सो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मैं करता हूँ। इसको बहुत ही ध्यान से करना होगा, अगर थोड़ा सा भी गलती होता है तो ये काम नहीं करेगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये हो गया ओपन। उसके बाद आपको सबसे पहले है फादर बोर्ड सर्च करना है, सॉरी बोर्ड फादर, बोर्ड फादर सर्च करते हैं आपको इस तरह का मिल जाएगा। ये टॉप में देखिए बोर्ड फादर, तो इसको क्लिक कीजिए। तो मैंने इसको ऑलरेडी पहले कर चुका था। तो आपको जब इसको जस्ट इसमें ज्वाइन करते ही आपको इस तरह का एक ये आएगा मैसेज, व्हाट कैन दिस बोर्ड डू। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, आपको स्लैश स्टार्ट दबाना है, जैसे कि मैंने इस पर किया है। तो स्लैश स्टार्ट दबाते ही आपको इस तरह का एक रिप्लाई आ जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद आपको करना है स्लैश न्यू बोट, ये देखिए मैंने इसको सेंड किया है। तो उसके बाद इसमें आ जाएगा इसका रिप्लाई, ये देखिए, ऑल राइट ए न्यू बोट, हाउ आर वी गोइंग टू कॉल इट, प्लीज़ चूज ए नेम फॉर योर बोट। तो आपको इसमें बोट का नाम देना है, जैसे कि मैंने इस पर दिया है ESP32CAM841। ये मैंने अपने तरफ से अपने तरीक़े से दिया है, आप अपना कोई भी, आप जो आपको सही लगे उस तरह का आप दे सकते हैं, आप कोई सा भी आप नाम रख सकते हैं। तो आप जब उसको सेंड करेगा तो रिप्लाई में फिर से ये एक आ जाएगा, देखिए। उसके बाद आपको इसमें सिंपली यूज़र नेम का बोर्ड नेम देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दिया है ESP32User84, उसके बाद बोर्ड दिया है। आपको अपना हिसाब से आप कुछ भी एक रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये बोर्ड बनके तैयार है। तो इसमें बता रहा है ये, तो इसमें आपको ये सेक्शन में देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा यूज़ दिस टोकन टू एक्सेस द HTTP API। तो ये जो टोकन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी हो गया ये टोकन। उसके बाद इसको सिंपली कॉपी करने के बाद क्लोज कर देना है आपको। फिर सर्च करना है IDBot, ये देख सकते हैं टॉप में आ रहा है, इसको आप क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेम जो पहले किया था वैसे ही करना है, स्लैश स्टार्ट दबाना है, उसके बाद सेंड करना है। बस ये करने के बाद आपको ये एक मैसेज आ जाएगा, उसके बाद स्लैश गेट ID करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ID, ये मैं मार्क कर दिया हूँ ये ID। तो ये ID को आपको, ये ID उसके बाद जो टोकन जो था वो दोनों को आपको कॉपी कर लेना है बहुत ध्यान से, ताकि वो आगे मैं बताने वाला हूँ कि वो कोड पे किस तरह से किस जगह में लगाना है, उसको भी आपको ध्यान से देखना है। तो ये दोनों को कॉपी कर लेने के बाद आपको सिंपली इसको क्लोज कर देना है। सो गाइस यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है। तो अभी सीधा चलते हैं कोडिंग पार्ट पर, जहाँ पर हम जो टोकन नंबर और ID जो हम यहाँ पे लिया है उसको हम कहाँ पे पेस्ट करना है वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये देख सकते हैं। तो कोडिंग करने के लिए आपको चाहिए होगा Arduino सॉफ्टवेयर, जो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ, मेरा पहले वीडियो में भी था, मैंने किस तरह से इसको इंस्टॉल करके किस तरह से करना है बहुत सारा प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो कोड को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए। तो इसको सिंपली ओपन कर देते हैं, ये एक्चुअली ऑलरेडी ओपन है, और एक ये कर लेते हैं। इसमें देखिए आपको ये करने से पहले, सबसे पहले ये जो लिंक दिख रहा है आपको, ये दो लिंक, ये दोनों लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फाइल्स में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है, उसके बाद इसमें आपको पेस्ट करना है। ये देखिए इसमें मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर चुका है, तो आपको भी सेम इसी तरह से इसमें पेस्ट कर देना है। तो ये हो गया ओके। ये आपको करने के बाद, इसको पेस्ट करने के बाद आपको
बोर्ड ESP बोर्ड आपको इंस्टॉल करना है। अब ये लिंक का थ्रू भी कर सकता है, ये लिंक जो दिया हुआ है यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पर आपको सिंपली क्या करना है, टूल्स में जाना है, बोर्ड में जाना है, बोर्ड मैनेजर पे जाना है। अभी इसमें आपको ESP32 करके सर्च कर देना है, तो आपको इस तरह से दो ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है, ये ESP32 को करना है, ये सेकेंड वाला। इसको करके ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरा, देखिए यहाँ पे। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद क्लोज कर देना है, फिर जाना है टूल्स पर। इसके बाद आपको इसमें बोर्ड फिर से सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो 8 नंबर का ESP Arduino, इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जाना है, देखिए ESP32 रोवर मॉड्यूल, इसको आप सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद फिर जाना है टूल्स पर, इसको सेलेक्ट, अपलोड स्पीड पे देखिए इस पे ही रहने दीजिए। और ये जो फ्लैश फ्रिक्वेंसी है, इसको भी आपको 80 MHz में रखना है, और फ्लैश मोड पे QIO में रखना है। पार्टीशन स्कीम में आपको इसको रखना जरूरी है, ह्यूज ऐप, इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको रखना है। उसके बाद फिर से जाना है टूल्स पर, पोर्ट आपको सेलेक्ट करना है। अभी मैंने पोर्ट कनेक्ट नहीं किया है, पोर्ट COM5 पे आपको लगाना है, या तो आपका कॉम किस में सपोर्ट कर रहा है उसी के हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट करना है। मेरा COM5 पर सपोर्ट कर रहा था, तो मैं अभी अभी कनेक्ट नहीं किया, तो आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए। इसके बाद, इसको करने के बाद आप कुछ इसमें ये नहीं करना है, बस इसमें ये इसको आपको डालना है, ये वाईफाई नेम और वाईफाई पासवर्ड। इस पे लेकिन आपको सिर्फ 2.4 GHz का ही बैंड सपोर्ट करेगा, आप 5 GHz का बैंड लगाएगा तो आपका ये काम नहीं करेगा। तो 2.4 GHz का ही बैंड सपोर्ट करता है इसमें। तो जो मैंने टेलीग्राम से जो आईडी और टोकन जो निकाले थे, उनको यहाँ पे डालना है। देखिए आईडी, ये देख सकते हैं आईडी। उसके बाद टोकन है, यहाँ पे आपको टोकन पेस्ट करना है। उसके बाद सिंपली आपको इसको अपलोड कर देना है। तो मैं पहले ESP32 को कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, इसका कनेक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका हूँ किस तरह से कनेक्ट करना है ये FDDI और ये ESP32 को। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो प्रीवियस वीडियो में जाके चेकआउट कीजिए किस तरह से कनेक्शन करना है। सेम वैसे ही कनेक्शन करके इसमें कोड अपलोड करना है। तो अभी के लिए मैंने इसमें एक वायर कनेक्शन कर दिया है इस पर। उसके बाद और एक वायर इसमें कनेक्ट होगा जो रिले मॉड्यूल में कनेक्ट होगा, रिले मॉड्यूल और सोलेनोइड लॉक पर। तो चलिए इसको पहले कोड अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट हो चुका है, अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये आ गया है कंप्यूटर स्क्रीन पर, अभी कोड को अपलोड करते हैं। सब पहले एक बार चेक कर लेता हूँ, बोर्ड ठीक है, फ्रीक्वेंसी ठीक है, फ्लैश फ्रीक्वेंसी ठीक है, मोड ठीक है, पार्टीशन स्कीम भी ठीक है, कोर डिबगिंग को जरूरी नहीं है, इरास ऑल फ्लैश बिफोर स्केच ये मैंने इनेबल किया है, आप नहीं भी कर सकते हैं। तो ये मेरा COM5 पे है, देख सकते हैं आप, ये मैं COM5 सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो अभी अपलोड करता हूँ, ये अभी अपलोडिंग हो रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। अभी इसमें ये कनेक्टिंग दिखा रहा है, देख सकते हैं अब ये चल रहा है। आपको बीच में जब कनेक्टिंग दिखाएगा तो इसमें ये जगह पे एक रीसेट बटन है, इसको प्रेस करना है। और ये अभी ये कंप्लीट हो चुका है, देखिए कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे अपलोडिंग। अपलोड कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो IO, ये जो है IO0, इसको डिसकनेक्ट करना है, ग्राउंड के साथ में जो कनेक्ट था। इसको डिसकनेक्ट करने के बाद सीरियल मॉनिटर पे जाना है, सीरियल मॉनिटर पे। उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद रीसेट बटन में फिर से प्रेस करना है। अभी आ रहा है वापस सिग्नल, ये यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्टिंग टू यालाज स्काईनेट दिखा रहा है, ये देख सकते हैं। अच्छा, इसको क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने इस चीज को
मेरा ये रोटर जो बनाया था इसमें कनेक्ट किया है, तो इसको ऑन करना पड़ेगा। मैं इसमें वाईफाई है मेरा, तो ये जब ऑन होगा तभी कनेक्ट होगा। अभी यहाँ पे कनेक्टिंग दिखा रहा है, देखिए ये देख सकते हैं कनेक्टिंग दिखा रहा है। जब ये ऑन होके जब चलेगा तभी कनेक्ट होगा। और ये देखिए सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। ये है ESP कैम का IP एड्रेस, तो इसको सिंपली क्लोज कर देते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका पूरा कनेक्शन कुछ इस तरह से है। मैंने सिलेनोइड लॉक को इस तरह से इसमें लगा दिया डेमो के लिए, तो देख सकते हैं ये जो ये है पावर बैंक जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। आप अगर इसको नहीं देखा तो इसको भी चेकआउट कर सकते हो, ये पावर बैंक को। तो अभी के लिए मैंने मोबाइल ये इस पे स्टैंड पे लगा दिया है डेमो के लिए। को बता देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये जो इसका ये फर्स्ट वाला पिन जो है ये है VCC, और ये सेकेंड वाला जो पिन है वो ग्राउंड है। 5 वोल्ट VCC जो यहाँ से इनपुट होगा। तो मैंने इसमें क्या कनेक्ट किया है, ये GPIO पिन 13 और ग्राउंड को मैंने स्विच लगा दिया इसमें। ये देखिए तो ये एक स्विच है, पुश स्विच है। तो जब भी ये डोर का बाहर में कोई आदमी आएगा तो ये पुश बटन को दबाएगा, पुश करेगा, तो ये क्या करेगा, फ़ोटो को क्लिक करके आपका टेलीग्राम मैसेंजर जो है उसमें भेज देगा फ़ोटो को। तो आप उसमें टेलीग्राम फ़ोटो में देखकर आप देख सकते हैं कि कौन है बाहर पे। उसके बाद ही आप लॉक को अनलॉक कर सकते हैं, डोर लॉक को, जो दरवाज़ा लॉक होगा उसको आप अनलॉक कर सकते हैं वहाँ से रहते हुए। तो यही है इसका मोटा मोटी, ये जितना भी वायरिंग कनेक्शन इसका तो बहुत सिंपल वायरिंग है। तो 12 वोल्ट के लिए मैंने क्या किया है, ये रिले लगाया है, ये रिले मॉड्यूल है। तो रिले मॉड्यूल को जब यहाँ से आप जब टेलीग्राम से आप अनलॉक का कमांड करोगे तो ये रिले मॉड्यूल आपका 12 वोल्ट पावर सप्लाई को स्विच ऑन करेगा। तो क्या करेगा, ये स्विच ऑन करके ये रिले को ऑन कर देगा या तो लॉक करेगा। तो यही है सिंपल कनेक्शन। तो 12 वोल्ट कनेक्शन के लिए हम यहाँ से लेंगे पावर, इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैंने अभी फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया है, तो अभी इसको भी मैं ऑन कर दिया, देखिए LED जल रहा है। तो अभी जैसे कि बाहर से कोई इसमें पुश बटन में पुश करेगा तो फ़ोटो खींच के भेज देगा। ये देखिए देखा, फ़ोटो खींच रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया टेलीग्राम में। तो अभी टेलीग्राम में देखिए क्या भेजा है, ये देखिए मेरा फ़ोटो आ गया, देख सकते हैं ये फ़ोटो भेज दिया है। अभी यहाँ से कमांड करेंगे हम फ़ोटो, इसको ये करने के लिए, फ़ोटो क्लिक करने के लिए कि कौन है कौन नहीं है देखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इजीली, इस पर एक फ़ोटोज लिखा है स्लैश फ़ोटो, तो इसको क्लिक करना है सिर्फ। तो ये अभी फ़ोटो खींच रहे, देखें फ़ोटो खींच लिया, अब वो भेज दे यहाँ पे, देखे हूँ ये देख सकते हैं। तो और एक बार फ़ोटो लेते हैं, चलिए फिर से और एक कमांड भेजते हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहा है, फ़ोटो चला गया। ये देखिए यहाँ पे मैं वीडियो शूटिंग भी कर रहा हूँ, देख सकते हैं। अभी लॉक और अनलॉक का कमांड देके देखते हैं, उससे पहले मैं ये सेलुलर बल्ब में पावर भेज देता हूँ। अभी इसको लॉक अनलॉक का कमांड देके देखते हैं। तो हम आ गए ये टेलीग्राम पे, तो चलिए इसको अनलॉक करके देखते हैं। ये देखिए अनलॉक हो गया, और फिर से लॉक करते हैं, चलिए ये देखिए लॉक हो गया। तो अभी फ़ोटो क्लिक करके देखते हैं फिर से, देखो फोटो क्लिक कर रहा है, अभी फ़ोटो यहाँ भेज देगा क्लिक करने के बाद। ये देखिए फ़ोटो क्लिक करके भेज दिया, ये बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है। और एक बार देख सकते हैं, अनलॉक करके देखते हैं, ये देखिए अनलॉक कर रहा है बहुत ही बढ़िया से। अभी लॉक लॉक। तो यही था, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही काम का चीज़ है वाईफाई स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम विथ टेलीग्राम। या टेलीग्राम का ऐप से ही आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, फोटो क्लिक वगैरह कर सकते हो। उसके बाद लॉक अनलॉक का भी इसी से ही ऑप्शन आता है आपको। तो आप जैसे कि दरवाज़ा लॉक करके बाहर में कौन है कौन नहीं है वो देखने के लिए आपको बस फोटो क्लिक करना है। उसके बाद अगर कोई जान पहचान है तभी आप उसको अनलॉक करना है। ये था बहुत ही स्मार्ट वाला वे में बनाने का तरीका किस तरह से।